व्हाट्स अप दोस्तों, मैं हूं आपका लिस्को शिवा और आज हम शुरू कर रहे हैं लंबे सफ़र की। मुझे सबसे पहले हाईवेज को पकड़ना पड़ेगा, फिर वहां पे थोड़ा सा लगेज जो है उसको थोड़ा एडजस्टमेंट करूंगा मैं, क्योंकि बैग पहनकर उतनी दूर का सफ़र करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लगेज जितना परफेक्टली फिट रहता है उतना अच्छा रहता है। ये जो आप आगे देख रहे हो इसमें भूसा भरा हुआ है, इवन गेहूँ की खेती जब हो जाती है पूरी और गेहूँ जब कट जाते हैं तो उनमें जो बचा अवशेष होता है उसे वो भूसा कहते हैं और वही भूसा को मालजाल को खिलाया जाता है। तो फिलहाल ज़्यादा भारी नहीं है इसलिए छोटा सा ट्रैक्टर पे लेकर जा रहे हैं उसे। आज का सफ़र जो है हमारा पोखरा तक का होगा, जो कि करीब 326 से 330 किलोमीटर पड़ता है। हमें करीब 8 से 9 घंटा गाड़ी चलाना है, लेकिन अगर हम बीच में ब्रेक लेते हैं खाने के लिए या फिर पानी पीने के लिए या फिर फ़ोटोशूट के लिए तो हो सकता है ये सफ़र 12 घंटे का हो। और सुबह के 9 बज रहे हैं, नेपाल में तो अभी समर का टाइम है और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये आ गए हम बैलवास में। अब बैलवास से थोड़ा आगे हमें पड़ेगा फुलजोर करके एक जगह जहाँ से हाईवे जुड़ता है। अपनी गाड़ी की टंकी जो है पहले ही मैंने फुल कर ली थी कल ही को, तो मैंने पूरे 6 दिन का भंसा लिया हुआ है अभी, जो कि मुझे 150 रुपये नेपाली के हिसाब से 900 रुपये पड़ा था। इंडिया में भी INR है और नेपाल में भी NPR है, दोनों को रुपया ही कहा जाता है। और इंडिया का 10 रुपया यहाँ पे आपको हो जाएगा 16 रुपया, तो इस तरह से आपको कन्वर्शन करना होता है। यहाँ पर जो आप बालू के टीले देख रहे हो ये दरअसल नदी से निकाला गया बालू है जो कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क में काम आता है। ये रहा फुलजोर। तो चलिए ये रहे, हम हाईवे पहुँच चुके हैं। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ हम सफ़र में थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं। इस तरह के रिवर बेड आपको काफ़ी सारे मिलेंगे नेपाल में। आप लोग होश में जोश न गवा के तुरंत नीचे न उतरे, क्योंकि मिट्टी जो है बहुत ढीली होती है उसमें, तो संभल के चलाएं अगर उतरते भी हैं तो। अगर रास्ते पुराने हैं तो काफ़ी सारे पैचिंग मिलेंगे आपको। इतने ज़्यादा पैचिंग करने के बजाय यहाँ पर नया रास्ता अगर बना दे तो बेहतर होगा। गूगल भाई साहब के हिसाब से हम पहुँचेंगे करीब 6 बजे शाम को। बीचों बीच क्या किया गया है, किसी तरह का स्किट तो नहीं हुआ है मेरे ख्याल से। तो ये है लखनदेई पुल। हमेशा ब्रिज पे क्या होता है कि रास्ते आपको बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो आप, तो आप ऐसे ना समझे कि ब्रिज पे हमेशा रास्ते अच्छे होते हैं, हमेशा ध्यान रखें। चलिए ब्रिज पार हो चुका है, अब अपनी रफ्तार थोड़ी पकड़ते हैं। मैं पहुंचना है सबसे पहले हेटौंडा, जो कि यहां से करीब और 56 किलोमीटर है, और मैं सोच रहा हूं कि वहीं पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा फ्रेशअप होने के लिए और करीब 2 या 3 बजे लंच करके डायरेक्ट होटल पहुंचने की कोशिश करूंगा मैं। रास्ते देखो कितने चौड़े हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह का मीडियन नहीं है। गूगल भाई साहब बोल रहे हैं कि आगे नदी है और उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी है। पुल का काम चल रहा है तो हमें लेना पड़ेगा रिवर बेड वाला इलाका, और जैसे ही हम उस लोकेशन पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि पूरी तरह से रिवर जो सूखी पड़ी हुई है। मेरे ख्याल से हम जब भी इन रास्तों से गुजरे हैं, इस तरह के पुल पर से गुजरे हैं, कभी पानी नहीं देखा है इन नदियों में। गर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा हो गई दोस्तों, अभी 42 डिग्री पर पहुँच चुका है। इन धूल में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है हमें। आओ ये देखो, जंगलों के रास्ते होते हुए हम जा रहे हैं, अभी आ गए फिर से रास्ते पे। ये है सबसे पहला राइट टर्न, वो महेंद्र राजमार्ग। मैं बीच में जा रहा हूँ, दोनों तरफ एक तरह के गड्ढे हैं। हो सकता है कोई बड़ी मिशन यहाँ से गई हो जिसके कारण दोनों तरफ गड्ढे हो गए हैं और बीच में सिर्फ साइकिल की तरह रास्ता है। नेपाल वैसे भी एडवेंचरस है तो हाईवे भी एडवेंचरस जैसा ही है यहाँ पे। खूब लग रहे यार, जस्ट इमेजिन अगर मैं विंटर के समय में आता तो क्या लग रही होती है। चलो समर टाइम में और क्लियर दिख रहा है ये, है कि नहीं? यस लेट्स गो मैन। करीब आधा घंटा ब्रेक लेने के बाद अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। इस जगह का नाम है हेटौंडा और पता नहीं कितना धूप होने वाला है। और 205 किलोमीटर हमें पार करना है, यहीं से हमें लिफ्ट लेना होगा। आगे पहाड़ी इलाका है, छोटे छोटे दुकान काफ़ी होते हैं यार यहाँ पे। बड़े मॉल्स मेरे ख्याल से पोखरा काठमांडू जैसे जगह में होंगे। काफ़ी बड़ी मूर्ति है यहाँ पे श्री हनुमान जी की, जय श्री राम जी। और उन्होंने अपने दिल फाड़ के दिखाया है कि श्री राम और श्री सीता जी उनके दिल में बसते हैं। यार दोनों आपस में ऐसे लड़ क्यों रहे हैं यार आगे जाने के लिए, और इनके बीच में हमें नहीं फंसना है। दोनों सांप की तरह ऐसे ऐसे नाच रहे हैं, थोड़ा गैप बना लोगे तब हम आएंगे। अब शायद मुझे निकल जाना चाहिए। बड़ा ही भयानक चला रहा है यार ब्लू वाला बस। लोग में होड़ लगी रहती है कि हम अपने पैसेंजर को पहले पिकअप करेंगे करके।
सोच रहा हूँ कि एक ड्यू का बोतल ले लूँ कोल्ड ड्रिंक्स। हमने शायद आधा रास्ता पार कर लिया है अभी तक। यार मुझे नहीं पता था कि नेपाल इतना गर्म रहता है समर के मौसम में, और मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि लू चल रही हो। ये नदी जो है पूरी तरह से सूखे पड़े हुए हैं, इस धूप की ही मार है। देखो पहाड़ इतने बगल बगल में है, लेकिन मेरा अनुभव यहाँ पे गलत हो रहा है, क्योंकि मैंने सोचा था कि जहाँ पहाड़ होते हैं वहाँ पे बादलों का घेरा रहता है, और वो बादलों के घेरे हमेशा ठंड रहते हैं और वहाँ के अगल बगल के लोकेशंस ठंडा रहता है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है लम्ही 278, पोखरा 162, और काठमांडू जाना है तो 177 किलोमीटर। अरे 177, व्हाट इज दिस? हिंदी इंग्लिश कर रहे हैं क्या हम यहाँ पे? बस हमने भी सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर रुका जाए, और आगे देख रहे हैं आप, नेपाली वेशभूषा यही है दोस्तों। और बहुत ही नीट तरीके से एक्चुअली इन लोगों को एडजस्ट किया गया है। आई मीन किसी ने भी आगे या पीछे नहीं किया, एकदम लाइन से है। अभी हमें फिलहाल भरतपुर से राइट टर्न लेना है। ये दोस्तों जहाँ भी ये बोर्ड लगा है वहाँ पे एक पेड़ पीपल का हमेशा है। ओके यहाँ पे बस स्टैंड भी है, और बस स्टैंड में दो लकड़ी के पट्टे रखे हुए हैं बैठने के लिए। कुछ भी हो लेकिन छांव है यहाँ पे। इसलिए भी गाड़ी रोक देता हूँ ना, और उसके बाद जब गाड़ी चलाना शुरू करता हूँ तो मेरे जो ग्लव्स हैं उनके अंदर की जो उंगलियाँ है ठंड का महसूस करती है। रॉयल एनफील्ड की ग्लव्स है ये, करीब 1200 रुपये में मैंने ख़रीदा था, और आज इसका सही उपयोग हो रहा है। अरे भैया ठीक है जाओ जाओ। इतने समय के बाद मुझे देखने को मिली है एक ओवरब्रिज, और ओवरब्रिज अब मुझे मीडियन भी दिखने लगे हैं। एक आदमी अपने बच्चे को लेकर एकदम सीधे खड़ा हो गया यार रास्ते में, और मेरे हॉर्न देने के बाद भी पीछे से गाड़ी आ रही, लेकिन फिर भी वो आदमी नहीं हट रहा है। हम अभी रत्ननगर में पहुंच चुके हैं, उसके बाद हमें पहुंचना है भरतपुर। दोस्तों हम जंगलों से गुजर रहे हैं, और थोड़ी ही दूर पहले मैंने देखा था कि वहाँ पे टाइगर का बोर्ड रखा हुआ था। अभी हम सुरक्षित हैं, अगर कुछ भी ऐसा वैसा हमला होता है तो लोग हैं बचाने के लिए हमें यहाँ पे, लेकिन रात के समय में नहीं होंगे। तो देख कर जाइएगा हमेशा टाइगर को, नहीं समय को। तो नेपाल में कोको कोला तैयार होता है यहाँ पे। बाजार क्षेत्र गति सीमित, नेपाली भाषा जो है ना वो थोड़ी बहुत मिलती जुलती है हिंदी से। जो भी चीज़ लिखे होते हैं वो आप आधा से ज़्यादा समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना टर्न लेते हैं यहाँ से। तो ये जगह है भरतपुर, पहला डिलीवरी बॉय जिसे हम देख रहे हैं, और इसमें लिखा हुआ है द VFC विशाल चौक। वाह, चारों तरफ से लोग पार कर रहे हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों ही जगह रोड एक्सटेंशन हो रहे हैं। अब शायद हो सकता है कि अगले साल अगर हम आए तो हम इस लेन पे ना होके इस लेन पर हो। वाह कितनी बड़ी चिड़िया है, आई होप इसके अंदर चिड़िया ना पकड़ के लेके जाते हो। ओके बाइकर्स के लिए रास्ते खुले हैं यहाँ पे। अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ खा लेना चाहिए हमें, शिव शक्ति होटल। और अब समय हो रहा है 3:10 नेपाली टाइम, मैंने बताया आपको अभी। मुझे सफ़र में ना भूख ज़्यादा नहीं लगती है, ज़्यादा ट्राई करता हूँ कि मैं सिर्फ लिक्विड फूड लेता हूँ, लेकिन आज पता नहीं मन किया कि चलो कुछ खा के निकलते हैं। तो मैंने लंच में सिर्फ चाउमीन लिया है, काफ़ी अच्छा बना हुआ था। यहाँ पे पूर में एक सेंचुरी भी है, और रास्ते में भी मिल जाएंगे अगर आप रात में ट्रैवल करते हैं जिस वक्त कोई नहीं रहता है। हो सके तो आप अवॉइड करें रात का ट्रैवलिंग। और 125 किलोमीटर है यहाँ से, और करीब 3.5 घंटा लगने वाला है। तो चलिए अब चलते हैं सफ़र में और दिखाते हैं आपको नेपाल। आपको दिख रहा हो दोस्तों कई सारे झरने जो हैं वो अपने रास्ते बनाए हुए हैं वहाँ पे, लेकिन अभी तो फिलहाल सूखे पड़े हुए हैं, लेकिन बारिश के मौसम में वैसे ही पानी नीचे उतरते होंगे। कौन सी जगह है ये? ये है चितवन। हमारा रास्ता जो है यहीं से कट कर जा रहा है पोखरा के लिए। मेरे ख्याल से कोई सुंदर ब्रिज आने वाला है यहाँ पे। हम यहाँ पे जा रहे हैं फोटोज लेने के लिए। बाइक वन सर पोखरा।
6 दिन। तो जगह जगह पे भंसार चेक जो होता है चेक करवा लिया और अब यहाँ से जाने का। अब दोस्तों टेम्परेचर जो है गिरने लगा है और हमें थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लगी है। पहली बार नेपाल में भंसार चेक किया गया। काफ़ी यंग पुलिस मैन थे और देखते ही पहचान गए कि हाँ बाहर से आया हुआ गाड़ी। और ये देखो दोस्तों व्हाट अ व्यू गाइस, मस्त है। पहले हम नदी के उस तरफ चला रहे थे, अब ब्रिज जो मैंने क्रॉस किया अभी थोड़ी देर पहले, अब नदी के इस तरफ चला रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस मैप में, गूगल भाई साहब बड़ी ही ज़बरदस्त काम कर रहा है यहाँ पे। वैसे भी नेपाल में हाईवे जो है बहुत ही सीधे सीधे आपको मिलेंगे, तो आप कहीं भी पूछ ले, सिर्फ जगह का नाम याद रखें। दोस्तों चेन से थोड़ा बहुत आवाज़ आने लगा था क्योंकि चेन जो है पूरी तरह से सूख चुकी थी। हो सकता है इतनी गर्मी होने की वजह से सिर्फ 300 किलोमीटर में ही चेन के ल्यूब जो है पूरी तरह से सूख चुकी थी। तो मैंने झटपट चेन को ल्यूब किया, उसके बाद थोड़े बहुत ड्रोन शॉट लिए। और टाइम जो है अब 5:45 नेपाली हो चुका है। होटल पहुंचने का समय जो है गूगल भाई साहब बता रहे हैं कि करीब 8:30 बजे पहुंचेंगे। अगर मैं अपनी स्पीड मेंटेन रखता हूं और ट्रैफिक कम रहता है 7:30-8 बजे तक पहुंच सकता हूं मैं, क्योंकि सफ़र जो है और 86 किलोमीटर ही है, लेकिन फिर भी 86 किलोमीटर जो है काफ़ी ज़्यादा होता है जब पहाड़ों पे चलाते हैं, और जहां 1 घंटे लगते हैं वहां पे 2.5 घंटे लग जाते हैं। चलिए बस अब बिना रुके चलते हैं, हो सके तो कहीं पानी का बोतल लेंगे और पानी पी के फिर निकलेंगे। मुझे तो ये जगह पूरी तरह से स्विट्जरलैंड लग रही है दोस्तों। जस्ट इमेजिन जब बारिश होता होगा तब ये कितना सुंदर लग रहा होगा। बस उसी को सोचकर मैं सोच रहा हूँ कि ये स्विट्जरलैंड लग रहा होगा। और ये देखो यहाँ पे बारिश से कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है। बच के निकल मेरे भाई, बच के निकल यहाँ से। पे मैंने एक बोतल पानी लिया और यहाँ पे कुछ दोस्त हैं जिनके साथ हम थोड़ी बात किए, मिलते हैं। श्योर हैव अ सेफ राइड गाइस। उन लोगों से बात करके थोड़ा अच्छा लगा और उन लोग भी पोखरा जा रहे हैं। सच में यार रास्ते में जब भी दोस्त लोग मिल जाते हैं तो माहौल बन जाता है, अनजाने दोस्त ही काफ़ी कुछ बातें सिखा जाते हैं। पोखरा के पहले के 80 किलोमीटर जो हैं वो काफ़ी ख़राब हैं यार। आई मीन टर्न्स हैं ठीक है, लेकिन बहुत जगह पे रास्ते जो हैं ख़राब हैं, जिसकी वजह से जो है स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। और यही वजह है जिसके कारण गूगल भाई साहब जो हैं हमें पहले से चेतावनी दे चुके थे कि भैया 70 किलोमीटर हो या 80 किलोमीटर तुम्हें लगेंगे कैसे भी 3 घंटे। कभी कभी कीड़े मकड़े जो है मेरे शरीर से भी टकराते हैं तो लग रहा है कि पत्थर के जैसे टकरा रहे हैं। फिलहाल मैं अपनी गाड़ी की स्पीड 40 से 45 ही है, लेकिन फिर भी वो कीड़े मकड़े जो है काफ़ी तेज़ आ रहे हैं। यार ट्रैफिक देखो यहाँ पे, अब शायद पोखरा में एंट्री हो रही है हमारी। अब ये कौन है भाई? ये है होंडा CRF। क्या जरूरत है यार ऐसा चलाने की, अब उल्टा लोगों को डरा रहे हो। एक चीज मैंने नोटिस किया, पोखरा पहुंचते लोग हॉर्न जो है काफी कम इस्तेमाल करते हैं। यहीं से हमें अब राइट टर्न लेना है। देख रहे हो कोई भी हॉर्न यूज नहीं कर रहा यार, या फिर मेरे कान बंद है अभी। ये देखो होटल यहाँ पे और हम आगे ढूंढ रहे थे। चलिए तो बाइक पार्क करते हैं।